दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए रोमांचक मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने आखिर में 4 रनों से जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही। ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने एक बार फिर से टीम को सदी हुई शुरुआत दी, लेकिन उनके साथ आए ओपनिंग बल्लेबाज कॉलिन मुनरो एक बार फिर से रन बनाने में असफल रहे। बारिश की वजह से मैच देरी से शुरू होने के कारण 18 ओवर्स का कर दिया गया। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू की और टीम के स्कोर को 196 तक पहुंचाया। इसके बाद फिर से बारिश शुरू हो गई और मैच को दोबारा कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, लेकिन तब तक दिल्ली डेयरडेविल्स के बल्लेबाज अपना काम अच्छी तरह से कर चुके थे। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम की तरफ से यंग विकेटकीपर ऋषभ पंत इस आईपीएल में किसी और ही रंग में नजर आ रहे हैं। जी हां, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी उन्होंने मात्र 29 गेंदों में 7 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 73 रनों की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी के समय ऋषभ पंत ने लगातार 2 ओवर्स में 40 रन बना डाले। इससे राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा हो गया। हालांकि बैटिंग करने उतरी राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने भी काफी कोशिश की कि टारगेट को हासिल किया जाए, लेकिन आखिर में बहुत ही क्लोज मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने मात्र 4 रनों से जीत हासिल की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।